स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमने अपनी पिछली वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड हम कर रहे थे, तो उसका एक सेकंड पार्ट हमारा रह गया था, ठीक है, एग्जांपल वन का। तो इस वीडियो में जो है हम उस सेकंड पार्ट को जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस सेकंड पार्ट में हमें बोला जा रहा है कि या कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, यानी कि कोई इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है, वो जो है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज जो है वो बनाती है, ठीक है, दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन द डे इन अ डे, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर खिलौने की जो प्रोडक्शन है, वो कह रहा है जितने भी जो टॉयज प्रोड्यूस होते हैं उस दिन में, उसमें 55 माइनस है, ठीक है ना, यानी कि ये रुपीज़ के अंदर है, तो जितने भी वो बनाए जाते हैं तो उसमें 55 रुपीज़ माइनस हैं। तो इसने ये बताया हमें, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज़ 750, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर दिन, किसी भी दिन जो है वो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन जो है वो 750 रुपये बताई गई हमें। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, यानी कि हमें ये कहा जा रहा है कि हमें जो है उस पर्टिकुलर डे पे जो कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए उसका नंबर हमें देखना है। तो इस इक्वेशन, ये जो हमें प्रॉब्लम दी गई है, इसे हमें जो है मैथमेटिकली जो है रिप्रेजेंट करना है, यानी कि मैथमेटिकली का मतलब क्या है कि इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। इसमें हम इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या है कि हमें जो टॉयज हैं, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो इसको हम जो है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं इसे एक्स, क्योंकि हमें नंबर ऑफ ये तो पता नहीं है, तो इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ टॉयज, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, बी एक्स, इसको हम एक्स मान लेट करेंगे। मान लो एक्स टॉयज हैं जो उस दिन जो है वो प्रोड्यूस हुए, ठीक है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये रुपीस के अंदर, ठीक है, इन रुपीस ये जो रुपीस में है ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे, ठीक है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय ऑन दैट डे ये कितनी है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, ठीक है ना। तो यानी कि 55 माइनस है, तो हमने जो ये एक्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो है हमने एक्स मानी हुई है, तो इसमें से हम 55 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी हो जाएगी इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स, ठीक है ना, क्योंकि बोल ही रहा है कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन डे, तो 55 और ये जो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन डे इसको हमने एक्स लेट करा है, तो ये हमारा हो जाएगा 55 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, अब हमें टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन जो है वो दे रखी है 750, ठीक है ना। तो यानी कि टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन क्या हुई हमारी, एक्स मल्टीप्लाई ये
अगर हम x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी आ जाएगी सेवन, इसके बराबर आ जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देयर फॉर द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन, इसको इसके ऐसे करेंगे, सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे, ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी एक्स, अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन आ जाएगी 55 माइनस एक्स, ठीक है। और ये हमें दे रखी है इन्होंने 750 रुपीस, तो ये हमारा हो जाएगा, देयरफॉर एक्स 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750, ठीक है ना। तो ये हमें दे रखा है कि टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन 750 है। तो इसको अब हम आगे, ये जो इक्वेशन है इसको हम सिंपलीफाई करके इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले आएंगे, तो वो जो है हमारी जो है मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, तो देन हो जाएगा ये 55x हो जाएगा, 55 से x मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 750, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर को हम स्टार्टिंग में रखेंगे, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 55x, रीअरेंज कर देते हैं इसे हम, और 750 को जो है हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का 750 हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये माइनस का साइन हम करते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं, तो ये हमारा जगह एक्स स्क्वायर, ये अंदर सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का 55x हो जाएगा और ये प्लस का 750 हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जो है हमारी ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इसमें मैथमेटिकली, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड लिख देंगे हम, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन of the problem mathematically, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसको क्वेश्चन को करने का ये तरीका था जो मैंने आपको बताया, और बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करी मैंने, फिर भी आपको अगर कोई लगे कहीं दिक्कत आए या कोई आप डिफ़िकल्टी कोई महसूस करें तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, तो मैं आपको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आप बस इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ज़्यादा परफेक्ट होंगे, ठीक है। बस बार 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 प्रैक्टिस आपको करनी है इन क्वेश्चन की, बार बार क्वेश्चन को पढ़िए, आप उसको ठीक तरह से समझिए कि क्या क्वेश्चन में दिया गया है और क्या पूछा जा रहा है हमें, तो आप उसको बस प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने साथियों के साथ और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो आप सब्सक्राइब करते रहिए मेरी वीडियोस को, लाइक करते रहिए, ठीक है ना। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स।